नमस्कार, खबर राजस्थान बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ में जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मन की बात में बोले पीएम मोदी, सिगरेट के खतरों से लोग हैं अनजान, बढ़ते सावधान। आरसीए चुनाव का सस्पेंस खत्म, 4 अक्टूबर को होंगे चुनाव। नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में हिंदू संगठनों ने किया भिलाड़ा बंद। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि समेत अन्य त्योहारों की बधाई देने के साथ में 2 अक्टूबर को 150वीं गांधी जयंती समेत कई बातों पर भी अपनी राय रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में तंबाकू का जिक्र करते हुए लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि तंबाकू कई जानलेवा बीमारियों को जन्म देता है। तंबाकू से दिमाग का विकास प्रभावित होता है और सेहत के लिए भी ये हानिकारक होता है, इसलिए इससे बचने की कोशिश की जानी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि इससे भी नुकसानदायक केमिकल उत्पन्न होते हैं और लोगों को इस बात की जानकारी तक नहीं है। पीएम मोदी ने युवाओं से ई सिगरेट से दूर रहने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को त्योहारों की बधाई देते हुए कहा कि हम सभी नवरात्रि महोत्सव, गरबा, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा और अनगणित त्योहार मनाएंगे तथा सभी को आने वाले त्योहारों की ढेरों शुभकामनाएं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर महीनों से चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो चुका है। चुनाव अधिकारी आरआर रश्मि ने 4 अक्टूबर को चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। इसी के साथ रामेश्वर डूडी और डॉक्टर सीपी जोशी गुट पे आरसी की सत्ता पर काबिज होने को लेकर चल रहा घमासान और अधिक तेज हो गया है। दोनों गुटों के बीच में फंसी आरसी में आखिरकार शनिवार को चुनाव अधिकारी ने चुनावी कार्यक्रम जारी किया। चुनाव अधिकारी की ओर से जारी किए गए चुनावी कार्यक्रम के तहत 29 सितंबर को वोटर लिस्ट पर आपत्तियां दर्ज की जाएगी। उसके बाद में 30 सितंबर को आपत्तियों पर सुनवाई होगी और उसके बाद अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इस बार मतदान के लिए महज 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा। 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान किया जाएगा और मतदान के तुरंत बाद 2 बजे से मतगणना होगी और परिणाम जारी किए जाएंगे। वहीं सिरोही शहर के स्थानीय मैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल के मैनेजर फिलिप साम, प्रधानाचार्य टॉम्पी साम की उपस्थिति में प्राथमिक कक्षा के छात्र छात्राओं का की कविता पाठन की प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षिका शीतल चौहान की देखरेख में किया गया। शीतल चौहान ने बताया कि प्रतियोगिता में प्राथमिक कक्षा, नर्सरी, LKG, HKG के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसके निर्णायक अरुणा कोटेश और खुशबू राठौर रहे। इसी क्रम में छात्र छात्राओं की इंटर हाउस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षक विजय प्रकाश वैष्णव और हितेश कुमार की देखरेख में किया गया। शिक्षक विपिन KS ने बताया कि उक्त प्रतियोगिताओं में रेड, ब्लू, ग्रीन व येलो हाउस के जूनियर और सीनियर कक्षा के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता निभाई। वहीं जालौर जिले के मुदरान में कई वर्षों के बाद इस बार रबी की फसलें बाजरा, मूंग, मोठ और तिलहन, गवार सहित कई फसलें अच्छी पैदावार के साथ कटाई के लिए तैयार हुई। लेकिन जालौर जिले के मुदरान क्षेत्र में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के कारण खेतों में अच्छी पैदावार के कारण कटाई के लिए खड़ी और काटी हुई फसल पानी में तैरने से तबाह हो गई है। इस बर्बादी की बारिश ने किसानों को रुलाकर मुंह तक आया निवाला छीन कर अपनी आंखों के सामने बर्बादी देखने के लिए मजबूर कर दिया। मुदरान सहित आसपास के कई गांवों में आसोज मास में श्रावण जैसी झड़ी लग जाने से क्षेत्र के खेतों में पानी भर गया। खेतों में पानी भर जाने से खेतों में किसानों ने समय पर अपनी फसलों को काट कर रख तो लिया, लेकिन ऊपर से कुदरत के कहर ने उनकी थोड़ी बहुत बची हुई फसल को बर्बाद कर दिया। आज किसान खेतों में खड़ा अपनी आंखों के सामने बर्बादी का मंजर देख रहा है और कुदरत को कोस भी रहा है। जिन किसानों ने कर्ज लेकर बुवाई की, उन्होंने ये सोचा होगा कि अच्छी फसल होगी तो कर्ज उतार देंगे, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। किसानों को कृषि उपज खराब होने से राशि चुकाने की भी चिंता सताने लगी है। भारी बारिश से खेतों में बाजरा, मूंग, मोठ, तिलहन, ग्वार सहित अन्य फसलें भी नष्ट हो गई है। खबरें जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे से, जहां कस्बे की एक 15 वर्षीय बालिका को भैला फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में पुलिस के द्वारा अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने पर वह कोई कार्यवाही नहीं करने को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने 27 सितंबर को तहसील कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करके बिलाड़ा बंद का आह्वान किया, जिसके चलते शनिवार को बिलाड़ा कस्बा पूर्ण रूप से बंद दिखाई दिया।
जानकारी के अनुसार 21 सितंबर की रात को नईमुद्दीन पुत्र अयूब कुरैशी एक नाबालिग बालिका को घर से भगाकर ले गया। इसे लेकर कई प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया। वे लड़की के पिता द्वारा रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाए जाने के बावजूद पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। साथ में बालिका के परिवार पर लड़की भगाकर ले जाने की रिपोर्ट वापस ले की धमकी दी जा रही थी। इसी के चलते हिंदू संगठनों ने मिलकर पूर्ण रूप से बिलाड़ा को बंद रखवाया। साथ ही बिलाड़ा DYSP मुमतान खास खान के विरोध में नारे लगाते हुए उनका पुतला भी जलाया। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि बिलाड़ा DYSP मुमताज खान मुस्लिम होने की वजह से जांच में शीतलता बरत रहे हैं। सभी ने मिलकर DYSP को हटाने की मांग की। साथ में 3 दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी रखी। 3 दिन के अंदर अंदर अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो हिंदू संगठनों के द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस मौके पर एडिशनल SP रघुनाथ गर्ग, SDM रविंद्र चौधरी, तहसीलदार ताराचंद्र प्रजापत, थानाधिकारी मनीष देव सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने बंद के दौरान अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया। शाह कस्बे के हर चौराहे पर पुलिस का भारी जाब्ता लगाया गया। शांतिपूर्ण बंद के दौरान पूरा प्रशासनिक अमला सोजती गेट पर प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने पहुंचा। वार्ता में एडिशनल SP रघुनाथ गर्ग के द्वारा 3 दिन के अंदर निष्पक्ष जांच करके आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद में धरना समाप्त हुआ। थाना के अंदर 8 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची के मुस्लिम लड़का लेके चला गया था, उसको लेकर मुकदमा दर्ज किया। 8 दिनों से धरना भी दिया, तहसील के बाहर कई प्रदर्शन भी किए, ज्ञापन भी दिए, लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुने। तो आज आम जन के सहयोग से सभी हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान बुलाया और शांतिपूर्वक अच्छा बंद रहा। और ये एकता देख कर आज हमारे जो एडिशनल SP साहब है, SDM साहब है, वो भी हमारे बीच में आए और हमने उनके सामने मांगे रखी। हमने मांग ये रखी कि जो लड़का है वो मुस्लिम है, ले जाने वाला लव जिहाद का मामला है, और जो डिप्टी है यहाँ पे वो भी मुस्लिम है, तो उनके होते हुए निष्पक्ष जांच की हमें उम्मीद नहीं है। तो हमने SDM साहब को कहा है कि उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, अन्यथा 3 दिन में अगर लड़की के मामले को अगर उजागर नहीं किया और उनको गिरफ्तार नहीं किया तो 3 दिन बाद में उग्र आंदोलन, हाईवे जाम और कई तरह के आंदोलन को जो CO सर्कल में पिपाड़ पड़ता है, तो हम पिपाड़ बंद का भी 3 दिन बाद में आह्वान करेंगे। बड़ा मामला ये है, डिप्टी साहब को जो हटाने की जो ये मांग कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है? नहीं, वो मेरे सर का मैटर नहीं है। बाकी रही बात इस केस की, तो उस केस में हम पूरी एकदम गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं और हमें सर CCTV फुटेज जो आधार सब, जो बता सब, रहे जो भी तो अभी तक क्या कार्रवाई हो पाई? नहीं, जो भी फुटेज आए उससे हमें जो भी प्रूफ मिला है, बाकी और भी जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के शेखावटी के तीर्थराज लोहारगल धाम से श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने सूर्य कुंज में डुबकी लगाई और पुण्य की कामना की। वहीं इस मौके पर सीकर के राजकीय कल्याण की नवनिर्वाचित AVVP छात्र संघ अध्यक्षा रुचि चौधरी जीत के बाद अपनी टीम सहित लोहारगल धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करने गई, जहां भगवान सूर्य के दर्शन करके आशीर्वाद लिया। वहीं लोहारगल महंत अवधेशाचार्य महाराज ने उनका स्वागत सम्मान किया। अमावस्या होने के कारण देर शाम तक श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा और अमावस्या स्थान का लोहारगल में बेहद महत्व माना जाता है। मैं हूँ रुचि चौधरी, श्री राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर की छात्र संघ अध्यक्ष रुचि चौधरी। यहाँ पे मैं लोहागर आई हूँ सूर्य भगवान के दर्शन करने। पहले यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई थी, भगवान से प्रार्थना करके गई कि मुझे जीतवाए, और आज वो दिन आ गया, मैं जीत भी गई और दर्शन किए। नागौर पटवार संघ उपशाखा जायल के चुनाव शनिवार को हुए, जिसमें निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश बेनीवाल की देखरेख में सर्वसम्मति से पटवार उपशाखा जायल के अध्यक्ष पद पर मनोज कुमार जाजवा को नियुक्त किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर महेंद्र पवार को चुना गया। महामंत्री पद पर ओम प्रकाश उबासी, संयुक्त महामंत्री पद पर हरिराम मीना, कुलदीप सोलंकी को संगठन मंत्री, हुक्माराम को कोषाध्यक्ष, जगदीश प्रसाद यादव को विधि मंत्री और दिनेश लोमरोड को, देवाराम चौयल, इंदिरा बाजिया, मुरलीधर सिंह को संगठन के प्रचार मंत्री पद पर नियुक्त किया गया। सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न होने के बाद सभी पटवारियों ने आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष मनोज कुमार जाजड़ा ने कहा कि पटवारियों की समस्याओं के समाधान और हितों की सुरक्षा के लिए शाखा की कार्यकारिणी हमेशा तत्पर रहेगी और समस्याओं का समाधान अति शीघ्र करवाया जाएगा। खबर राजधानी जयपुर के चौगान स्टेडियम से, जहां CPL सीजन 5 के लीग टूर्नामेंट के फाइनल मैच में 11 किंग्स और सुपर किंग्स के बीच में फाइनल मैच हुआ। 16 ओवर के इस मैच में 11 किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 101 रन बनाए और इन रनों को चेस करते हुए किंग्स सुपर किंग्स पीछा करते हुए 92 रन पर आउट हो गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किशनबोल विधायक अमीन कागजी ने विजेता टीम को ट्रॉफी और 31,000 का नगद पुरस्कार भी दिया। उपविजेता टीम सुपर किंग को ट्रॉफी के साथ 15,000 का नगद पुरस्कार दिया गया।
विधायक अमीन कागजी ने बताया कि 6 दिन से चली आ रही लीग में सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके जरिए जयपुर के खिलाड़ी प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन करेंगे। CPL सीजन 5 में पहली बार जयपुर से बाहर के खिलाड़ी भी पहुंचे। हाजी मोहम्मद इरशाद सिसोदिया ने बताया कि फाइनल मैच 11 किंग्स और सुबन किंग्स के बीच में हुआ और सभी खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। आफताब उद्दीन को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा। रणजी प्लेयर और विजेता टीम के कप्तान आफताब उद्दीन ने कहा कि पिछले 2 साल से 11 किंग्स से ट्रॉफी जीती आ रही है और ये सारा सेहरा उनके खिलाड़ियों के सर पर सजाता है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ में मैदान में अपने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए जीत के लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। ये जो है बन्नो सिसोदिया जो है मेरी अम्मी है, खुद मैं उनका लड़का हूँ और मैं सबसे पहले तो सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों को जिन्होंने इसमें मदद करी है, इस टूर्नामेंट में, और मेरा साथ दिया है सबने। और ये टूर्नामेंट जो सक्सेस हुआ है CPL 5, इसके लिए मैं सब पूरे जयपुर शहर को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कौन विजेता रही और कितने रन से जीती, क्या किंग्स 11 और आज सुपर किंग के बीच में जो फाइनल खेला गया है उसमें किंग्स 11 ने 101 रन का टारगेट दिया था, 102 रन सुपर किंग को जीतने के लिए चाहे थे, लेकिन आफताबुद्दीन की घातक गेंदबाजी को देखते हुए सुपर किंग ये रन चेस नहीं कर पाई और किंग्स 11 आफताबुद्दीन की टीम ये मैच फाइनल एक बार फिर और जीत गई। पिछली बार भी उनकी देखिए ऐसा है, मैं आज ये CPL 5 में लगातार हर साल जो आयोजन इंशाद भाई और इरफान भाई करते हैं उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और हर साल ये आज मैंने देखा कि जो टीम जीती है उसके जो कप्तान हैं वो रणजी प्लेयर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ चौगान स्टेडियम पे जब ये हर साल जो आयोजन करते हैं उसमें जयपुर का शहर का एक टैलेंट निकल के आता है और इसी तरीके से अगर ये बच्चे ध्यान से मेहनत करते रहे, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जयपुर से कोई ना कोई होनहार बच्चा जरूर रणजी टीम और नेशनल तक खेलेगा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ट्रॉफी जीत के, बात ट्रॉफी की नहीं है, बात एक भाईचारे की और मिलकर खेलने की। हमारी टीम एकजुट होकर खेली और हमारी टीम ने जो मैंने बोला उसका कहना माना और बहुत अच्छा खेले लड़के, बहुत ही बढ़िया खेले। हम लोगों को विश्वास था कि फाइनल 100 रन हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर डिफेंड करेंगे। कितने रन से जीता आफ्ताब? हम लोग जीते हैं 9 रन से। कितना रन बनाया था उन्होंने? हमने 101 रन बनाए थे। सामने वाली टीम? सामने वाली टीम 92 पे आउट हो गई। आपको मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज भी मिली, क्या कहना चाहेंगे और भी आगे आने वाली प्रतिभाओं के लिए? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर सच्ची लगन और मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है, आप किसी भी चीज़ को नामुमकिन ना लें, कोई भी हर चीज़ मुमकिन हो सकती है अगर आप मेहनत करें और अच्छे मन से मेहनत करें, सच्चे दिल से मेहनत करें। वही राजधानी जयपुर के ग्रासफील्ड क्लब में मिस्टर और मिस यूथ इंडिया कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया। इस कॉन्टेस्ट में देश भर से 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आयोजक फवाद खान ने बताया कि देश भर से फाइनल में 15 लड़की और 15 लड़कों को चुना गया। अलग अलग जगह पर ऑडिशन करने के बाद में जयपुर में फाइनल आयोजित किया गया जिसमें मिस्टर यूथ इंडिया बने इमरान खान और मिस यूथ इंडिया शबनम ने खिताब जीता। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। ऑल ओवर इंडिया से हमने सिलेक्शन करके 15 गर्ल्स एंड 15 बॉयज का सिलेक्शन किया, टोटल 30 गर्ल्स एंड बॉयज है टोटल मॉडल्स। जयपुर एक ऐसी सिटी बन चुकी है जहाँ पर जबरदस्त प्रोग्राम्स हो रहे हैं जी। आप बॉम्बे छोड़कर के जयपुर में प्रोग्राम करने की वजह क्या, क्योंकि बॉम्बे तो खुद एक सेलिब्रिटी जी जी। एक्चुअली मैं जयपुर से खुद बिलोंग करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरी सिटी पहले पॉपुलर हो, इसलिए मैं सारा सीन जयपुर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अभी मोस्टली 20% आ चुका है जयपुर में, अभी हम लगे पड़े हैं कि पूरा सीन पूरा जयपुर में 100% पूरा आ जाए। राजधानी के चौगान स्टेडियम में राजस्थान पुलिस राज्य स्तरीय अंतर रेंज फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में जयपुर कमिश्नरेट टीम और उदयपुर रेंज की टीम ने इस मैच को खेला। जयपुर कमिश्नरेट की टीम ने उदयपुर रेंज को 1 गोल से परास्त किया। इस कार्यक्रम में सभी पुलिस अधिकारीगणों ने मैच का लुत्फ उठाया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महानिदेशक राजीव दासौत ने जयपुर कमिश्नरेट की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हार जीत जिंदगी का एक हिस्सा है, खेल से आपसी मेलजोल और भाईचारा पड़ता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन दिन भर आम जनता के कामों में व्यस्त रहते हैं जिसकी वजह से उनका थोड़ा जिस्मानी और दिमागी तौर पर आराम की जरूरत होती है, इसलिए खेल प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए, उसमें भाग लेते रहना चाहिए जिससे दिमाग और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं।
है उस तनाव की ज़िंदगी में जब ये इस तरह खेल कूद के क्षण हम लोगों को मिलते हैं तो निश्चित रूप से ये एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में काम करता है, तनाव मुक्ति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होता है। खेल आजकल पुलिस में सिर्फ तनाव मुक्ति का साधन ही नहीं रहा है, ये करियर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पुलिस की टीम जो है न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ रही है। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान पुलिस ने ओलंपिक तक में अपना प्रतिनिधित्व किया है, एशियाड में हमने मेडल जीते हैं और ऑल इंडिया पुलिस मीट्स में जहां कभी हमें 4-5-7-10 मेडल मिलते थे आज हम करीब 70 से अधिक मेडल्स वहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। ऑल इंडिया वर्ल्ड फायर एंड पुलिस गेम्स होते हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही है। और आप सभी के माध्यम से मैं आम जनता को भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस में पिछले कुछ वर्षों से 2% पुलिस में खेल कोटा भी हमने लागू किया है। तो आप सभी आमंत्रित हैं, जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं 2% जैसे अभी 5,000 की भर्ती घोषित हुई है तो 100 खिलाड़ी उसमें पहले खेल कोटे से लिए जाएंगे। अगर वो उपलब्ध नहीं होते तो फिर जो है उनको भरा जाएगा सामान्य तौर से दूसरे खिलाड़ियों से, दूसरे प्रतिभागियों से। इसी तरह सब इंस्पेक्टर और प्लेटून कमांडर लेवल पर भी हम सीधी भर्ती कर रहे हैं खिलाड़ियों की। स्पोर्ट्स कोटा का अधिकाधिक उपयोग राजस्थान की जनता और राजस्थान के खिलाड़ी करें तो उससे उनको जहाँ एक और रोज़गार मिलेगा वो दूसरी ओर राजस्थान पुलिस को खेलों के दिशा में और आगे बढ़ाकर हम अपना नाम रोशन करें। इसी के साथ इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए GPK न्यूज़। नमस्कार।